हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार करता हूँ। जेपीएससी का एग्जामिनेशन कल के डेट में झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों 834 केंद्र बनाए गए थे और करीब करीब 3.5 लाख जो है यहाँ पे परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए कल के डेट में एकजुट हुए थे। और जिस तरह से संभावनाएँ लगाई जा रही थी कि पेपर आउट होगा या कुछ समस्याएँ प्रशासन की तरफ से हो, परीक्षा केंद्रों में जहाँ पर परीक्षाएँ ली जाएगी वहाँ पर हो, या फिर आयोग की तरफ से कुछ गलतियां की गई हो, तो लगभग लगभग जो है उस पर 100% जो है आयोग खरा उतरी है। और जिस तरह से आप लोगों को पता चला होगा कि लगभग 6-6 जिला में पेपर आउट होने की जो वीडियोज़ है या फोटोज़ है वो आप लोगों के पास आ चुका होगा, वायरल्स हो रहे हैं। बाकी न्यूज़पेपर में इन सभी मुद्दों को कवर किया गया है आज के न्यूज़पेपर में, आप देखेंगे। और एक बड़ा धांधली मैं बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अगर इस तरह की बात हो रहे हैं तो उस राज्य के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और एक काला दिन मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में उच्च पदों पर जो है उनका लड़कों का सिलेक्शन होता है। और अगर उसका सिलेक्शन में कुछ इस तरह की गड़बड़ी हो तो ये भारी मिस्टेक है। और राज्य का जो है कमान जिसके हाथ में जाना है वो अगर गलत रास्ते से आए या कुछ इस स्थिति से आए जो जेन्युइन नहीं है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी इस जेपीएससी एग्ज़ाम्स जो है वो जेपीएससी का रवैया रहा है कि अपनी गलती मानती नहीं है, इसको मनवाना की जिम्मेदारी आप सभी विद्यार्थियों की है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और जहाँ तक जो जरूरी हो, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आचार संहिता भी लग चुका है, तो उस हिसाब से जो है आपको नियम कानून में रहकर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो भी निर्णय लिया जाएगा, जितने भी यूट्यूब के शिक्षक हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा और सटीक निर्णय लेते हुए उस पर जो है वो कार्य करना पड़ेगा, तभी जो जाके जेपीएससी अपनी गलती को मानते हुए इस एग्जामिनेशन को जो है रद्द करते हुए नेक्स्ट डेट जो है एग्जामिनेशन के लिए देगी। बाकी आप लोग परेशान नहीं होइए, जो छात्र बोल रहे थे कि अब इतना बड़ा गड़बड़ी हो गया है, अब रद्द हो गया या नहीं होगा, तो देखिए इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जेपीएससी का रवैया जो है वो शुरू से ही गलत रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि 7-10 जेपीएससी में ओएमआर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे छात्रों का ओएमआर ही गायब हो गया था, उनका रिजल्ट आ गया था, तो उस स्थिति में जो है आयोग नहीं मानी। और उससे बड़ी गलती अभी है, अब देखने वाली बात यह है कि आयोग कब तक नोटिस निकालती है या नहीं निकालती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, कुछ बेहतर ही होगा और संभवतः इसको जो है इस एग्जामिनेशन को, इस परीक्षा को रद्द करते हुए नई तिथि जारी करते हुए फिर से परीक्षा लेने की जो है प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए आयोग को। इस चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।